नमस्कार, जय श्री राम, जय बालाजी, श्री गुरुदेवाय नमः। मैं पंकज शास्त्री, भृगु ज्योतिष कार्यालय पचेरी बड़ी, जिला झुंझुनू, राजस्थान। आज आपको हम विवाह संस्कार, जो कन्या वर वधु के हैं सप्तम वचन, आज हम आपको उनके बारे में विधि पूर्वक हिंदू सनातन धर्म के अनुसार आपको बिल्कुल स्टिक जानकारी देंगे। क्या वधु वर से कौन कौन से वचन मांगती है? पहला वचन है, यदि यगम कुरियात तस्मिने ममे सम्मति गृहनाथ। पहले में कहती है कि हे सखा, आप कोई भी यज्ञ करे तो उसमें आप मेरी सहमति ले तो मैं आपके बायंग में आऊँ। दूसरे वचन में कहती है, यदि दानम कुरियात तस्मिने नपि मम सम्मतिम गृहनाथ। दूसरे में कहती कि जो भी दान करे तो उसमें भी आप मेरी सहमति ले, मुझे पता चले अगर आप ये दान करने वाले हैं तो ही मैं आपके बायंग में आऊँ। तीसरे वचन में कहती है कि त्रात्रे मम पालनम कुरियात। तीन अवस्थाएं होती है, बालकपन, जवानी और बुढ़ापा। मैंने बालकपन तो अपने माता पिता के घर पर गुजारा है, जवानी और बुढ़ापा आपके साथ गुजारना है, तो जैसी भी ख्याल रखे तो मैं आपके बायंग में आऊँ। चतुर्थ वचन, चतुर्थ वचन में कहती है कि धनादि गोपने मम सम्मति गृहनाथ। आप कोई भी माया आदि जो भी धन है, किसी को भी लेन देन करे उसमें भी आप मेरी राय ले और मेरे को बताएं तो मैं आपके बायंग में आऊँ। पंचम वचन, गवादी पशु विक्रय करे मम सम्मतिम गृहनाथ। पांचवे में गाय, बैल, घोड़ा, पशु आदि जो भी खरीदे बेचे तो उसमें भी आप मेरी सहमति ले तो मैं आपके बायंग में आऊँ। षष्ठम वचन, बसंत आदि षष्ठ ऋतु से मम पालनम कुरियात। बसंत, ग्रीष्म, शरद, वर्षा, हेमंत, शिशुर, छह ऋतुओं में भी आप जैसा मौसम हो, जैसा हो वैसा ही आपको मेरे को आपका ख्याल रखे और आपको शरद ऋतु, वर्षा ऋतु में जैसे मौसम बदले आपको वैसे ही कपड़ा, खान पीन सब मौसम परिवर्तित हो, आपको वैसा ही मेरा ख्याल रखे तो मैं आपके बायंग में आऊँ। सप्तम वचन, सातवें वचन में, सखी सुगुण हास्य कटु वाक्यम न वदेत न कुरियात तवाम भवताम वाचांगी आगच्छामि। और सातवें में कहती है कि मैं मेरी सहेलियों में हो, वहाँ आप मेरा हंसी मजाक न करें और मुझे कोई कठोर वचन न बोले तो मैं आपके बायंग में आऊँ। और सातवें वचन में एक बार और बात कहते हैं कि सप्तम वचन में जहाँ मैं अपनी सहेलियों में अपनी वहाँ कठोर वचन कटु वाक्य न बोले और जो स्त्री आपसे उम्र में बड़ी है उसे अपनी माँ के बराबर समझे, जो आपसे हम उम्र की है उसे अपनी बहन समझे और जो आपसे उम्र में छोटी है उसे अपनी बेटी के अनुसार समझे तो ही मैं आपके बाएं अंग में आऊँ। जय श्री राम, जय बालाजी।